some positive economic developments are taking place. अगर हम देखें तो recently कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम और खासतौर पे उसके साथ साथ हम एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की कंटिन्यूसली यूथ को लोन देके स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को जिनको हम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं उसको प्रमोट करने के लिए कंसिस्टेंटली कोशिश की जा रही है. वी हैव विद अस डॉक्टर अकदर सफदर साहब एज एन इकोनॉमिस्ट एज एन एकेडमिक पर्सनैलिटी. ही इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान, खासतौर पर पोलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर कहीं नजर रखते हैं, पोलिटिकल इशूज के ऊपर किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए. जो बुनियादी इशूज है, वाटर अवेलेबिलिटी का इशू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंजम्पशन हो गया, तो अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान में करनी है तो क्या मुहरिकात हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं दैट यू नीड टू लुक एट. ही इज अ वेरी क्लोज आई ऑन दैट. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर साहब एक मैकेनिज्म है कि स्टेट बैंक ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया, ऑल्दो रीजनली दूसरे ममालिक में ही पहले से मौजूद है, लेकिन स्टेट बैंक ने बहुत जल्दी रैंप अप किया चीजों को और वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर रास में भी दो तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है. क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट्स को मुतारिफ कराया जा रहा है, डिजिटल बैंकिंग भी आ रही है. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एज अ स्टेट बैंक और एज अ बैंकिंग सिस्टम एक्सपर्ट कि इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और लेट द इकोनॉमी ग्रो नेचुरली. बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जितना हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ग्रो करेंगे उतना ही हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ग्रो करेंगे, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर. पिछले जब से ये हमारे गवर्नर साहब आए हैं मैंने बहुत ही एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा है. स्टेट बैंक के अंदर से जो भी बातें हो रही हैं, जो कम्युनिकेशन है उनकी, आपको पता होगा कि हाल ही में वो फॉरवर्ड गाइडेंस की भी उन्होंने बात की है. एंड ही हैज बीन वेरी क्लियर इन कम्युनिकेटिंग जो भी वो बात करना चाह रहे थे. आई थिंक ये कम्युनिकेशन भी बड़ी अच्छी हो गई है और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से. आई थिंक हैविंग सेड ऑल दैट हम सब इस चीज पे एग्री करते हैं कि वो ही इज डूइंग अ फाइन जॉब. मैं कुछ थोड़ा सा आपकी जो है ना अटेंशन मंजूर कराना चाहता था अबाउट जो COVID-19 की वजह से हमें जो इकोनॉमिक मसाइल का सामना था. मैं समझता हूं कि अभी भी हमारी जो COVID-19 की वैक्सीनेशन है वो उस तरह से नहीं की जा रही जितना उसकी जरूरत है. मैं कुछ फिगर्स देख रहा था आपके प्रोग्राम के लिए. अभी तक पाकिस्तान में जिन लोगों ने दो वैक्सीन यानी कि दो शॉट्स एक वैक्सीन के मुकम्मल कर लिए हैं सिर्फ 6 मिलियन लोग हैं. हमें तकरीबन 100 मिलियन के फिगर के ऊपर जाना है, 10 करोड़ लोगों के ऊपर जाना है जब जाके यहाँ पे एक ऐसी इम्यूनिटी बनेगी कि आपकी इकोनॉमी का काम चलना शुरू होगा. तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता था आपके प्रोग्राम के फोरम से टू दी अथॉरिटीज कि देखें हमें कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे लोगों के लिए सो दैट दे कैन कम एंड गेट वैक्सीन. अगर आपने 100 मिलियन लोगों को अगर 1,000 रुपया भी दें जो वैक्सीन लगवाने आए, दैट इज 100 बिलियन रुपीज. पाकिस्तान का बजट तो 8,000 बिलियन रुपीज का होता है. हमारे लिए 100 बिलियन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. तो मैं समझता हूं कि इस पे एक तो छोटा सा फोकस करने की जरूरत है और साथ ही बड़ा ऑन द सेकंड वैक्सीनेशन बाय द वे फर्स्ट लगाएंगे तो फिर हम 30 मिलियन फर्स्ट के ऊपर तो हम 30 मिलियन के फिगर पर पहुंच गए हैं. जो दोनों जिन्होंने लगवाई है वो 6 मिलियन का गुड इंसेंटिवाइजेशन प्लान इंसेंटिवाइजेशन. और आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि जो हमारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास किफालत प्रोग्राम है एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है. मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था और ब्राजील के अंदर एक प्रोग्राम है बोल्सा फेमिलिया जिसके ऊपर इसको बनाया गया. आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि वहां पे शुरू दिन से ये एक कंडीशन है कि अगर आपको वो स्टाइपेंड मिलना है तो आपको वैक्सीनेशन करवानी है. अच्छा गुड वेरी गुड. तो मैं समझता हूं कि जो अथॉरिटीज है उनको इसके ऊपर सुनना चाहिए और उसको कंडीशनल बना देना चाहिए वैक्सीन पे. और जो ये कामयाब जवान प्रोग्राम आ रहा है जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान, तो आई थिंक इसमें भी ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको पूरी वैक्सीनेशन आपकी हुई हुई. बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हाईलाइट किया हमारे साथ. ही आर्ग्यूमेंट ये है कि बुनियादी अजनास एक्सपोर्ट करने के बजाय वैल्यू एडेड में जो 300-400% का जो मार्जिन है अपसाइड है उसको लोकली एक्सट्रैक्ट किया जाए राधा की किसी और मुल्क को दे दिया जाए बिफोर दे प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट एंड सेल इट. व्हाई इट इज सो स्ट्रांग और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डू दैट राइट नाउ. देखिए बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आपने
उतनी क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट्स बनानी है तो आपको ऐसी एक्सपोर्ट्स बनानी चाहिए जिनकी ज्यादा वैल्यू, जो ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकती है। जैसा कि सर बैठे हैं साथ, इन्होंने बताया कि बजाय इसके आप कमोडिटीज एक्सपोर्ट करने के रॉ फॉर्म में, आप उसकी कुछ टोमेटो प्योरी बना के, टोमेटो की बजाय टोमेटो प्योरी बना के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा था, और ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है। ये देखें, आप सर बैठे हुए हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, फूड कमोडिटीज, इन द लॉन्ग रन ये कोई इतनी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं है कि आप सिर्फ फूड और फ्रूट एक्सपोर्ट करें। क्योंकि देखें, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जब आप अपना फ्रूट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करते हैं, आप उसके अंदर जो वाटर दिया हुआ है, जो एम्बेडेड वाटर है, आप अपने वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, तो एंड में वक्त क्या आएगा कि हम सारा अपना वाटर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आई थिंक इन द मीडियम टर्म ठीक है, ये आप इसकी तरफ रहें और इसको एक्सपोर्ट करें, लेकिन आपको बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना है। आपको एक ट्रांजिशन लानी है इकोनॉमी में फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, और वो है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कैसे एक सोसाइटी या एक इकोनॉमी जो अभी जिसकी बेस एग्रीकल्चर है, वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगी, कैसे जाएगी, जा भी सकती है, और हमारे पास वो पाथ कौन सा है जिसपे हम वो ट्रेवल करके उस तरह। हाउ डू यू सी दिस एवोल्यूशन, और रादर आई वुड कॉल इट राइट नाउ रेवोल्यूशन, जो कि आ रही है डिजिटल मीडिया के थ्रू? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी टाइमली और नीड ऑफ द आवर। कि जैसा मैडम ने बात की है, एक बहुत खुशाइंद है कि बहुत सी खवातीन घरों में बैठ के कुछ प्रोड्यूस भी कर रही हैं और कुछ कमा भी रही हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपने प्रोग्राम के शुरू में इसकी तरफ इशारा किया, तो रिसेंटली फेसबुक पे, जैसे आपको पता है कि उन्होंने कस्टमर टू कस्टमर अलाउ कर दिया है चीज़ों की खरीदो फरोख्त। पाकिस्तान में तकरीबन 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स हैं, दैट इज अबाउट 25% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन। तो आप इससे देख सकते हैं कि इससे कॉमर्स या ई कॉमर्स कितना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें अगेन, और आप कहेंगे कि आप हमेशा जो है वो कोई मसला रेज कर देते हैं, मसले रेज नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप बताइए। मैं कुछ मेरा मकसद ये होता है कि मैं कुछ चीजें हाईलाइट करता हूं जो कि मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टेंट होती है। जी बताइए। पाकिस्तान में एक बहुत ही अफोर्डेबल और रिलायबल इंटरनेट की जरूरत है, जिसके बगैर ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कामयाब नहीं होने वाले। अभी आप अगर देखें, कोविड की वजह से 1.5 साल से 2 साल से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत बात की जा रही है, लेकिन वो कितनी कामयाब हुई है, दिस इज एनीबडीज गेस। क्योंकि अगर आपके पास एक रिलायबल और अफोर्डेबल इंटरनेट नहीं है, तो ये चीजें ना तालीम हो सकती है, ना ई कॉमर्स बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूं कि इसके तरफ भी हमें फोकस करना चाहिए एज ए सोसाइटी। ये किसी एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम सबका काम है। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था कि एक रिलायबल अफोर्डेबल इंटरनेट कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किस किस्म की ग्रोथ आपने देखी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और न सिर्फ रिलायबल अफोर्डेबल इंटरनेट, बल्कि हर आदमी एक लैपटॉप या कंप्यूटर फाइनेंस करा सके 500 से 600 रुपए माहाना किस्तों के अंदर, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू मेक वो तो लैपटॉप बात हो जाएगी, वो तो बहुत ही अच्छी बात।